तो गाइस मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। थोड़ा डिफरेंट सेटअप है, थोड़ी डिफरेंट लुक है, बिकॉज मैं किसी और ही जगह पे बैठा हूं। जैसा मैंने आपको बोला था अपनी चैनल अपडेट वीडियो में दूसरे घर के बारे में, जहां पे मेरी फैमिली अब मूव हो गई तो मैं वहां आया हुआ था। लेकिन वीडियो नहीं रुकनी चाहिए रेसल इंडिया के ऊपर, और आज हम बात करेंगे इस कमाल के टॉपिक के बारे में, जो इधर मेरे लैपटॉप पे नोट्स पड़े हैं। मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन, MJF। मुझे खुद याद नहीं आ रहा कि कब मैंने लास्ट AEW के बारे में कोई एक वीडियो बनाई होगी, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब वेट कर रहा था कि कुछ तो ऐसा हो AEW में कि मैं वापस उस चीज़ के अंदर घुस सकूं, अपना टाइम लगा सकूं, AEW के शोज़ देख सकूं। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, अगर आप वीकली डायनामाइट के या फिर वीक में एटलीस्ट एक वीडियो मैं बनाऊँ जिसमें हम AEW के बारे में बात करेंगे, रिव्यू करेंगे सारे उस हफ्ते में जो भी AEW की मेजर न्यूज़ हुई है। लेकिन आज की ये वीडियो में हम बात करने वाले MJF के रिटर्न के बारे में, क्या मेरे इसके ऊपर थॉट्स हैं और क्या बड़ी चीज़ें MJF ने बोली हैं। आप लोगों के ओपिनियंस मैं ज़रूर जानना चाहूँगा नीचे कमेंट्स में, लेट मी नो दैट। डेफिनेटली डबल और नथिंग पे पर व्यू रिसेंटली हुआ, जहाँ पे एडम कोल रिंग के अंदर खड़े हुए थे और वो अपना डेविल वाला मास्क लेके आए थे, और उसकी रेफरेंस जैसे ही उन्होंने दी लोगों को पता लग गया था आज तो कुछ खिचड़ी पक रही है, MJF जो है वो आने वाले हैं वापस। तो MJF की चैंट्स हो गई स्टार्ट, और एक हमें यहाँ पे विनियट देखने को मिलती है कि फर्स्ट पर्सन व्यू है और MJF जा रहे हैं। उन्होंने अपना कोट निकाला और उनका म्यूजिक हिट होता है, एंड आउट कम्स मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन। और कोई ऑर्डिनरी लुक में नहीं आए, वो उसी लुक में आए जो ट्रिपल एच ने 2002 में अपनी लुक या फिर वो जैकेट पहनी थी, बिल्कुल सिमिलर जैकेट MJF यहाँ पे पहन के आते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में MJF के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है ट्रिपल एच के लिए। और ये बात तो बोलनी पड़ेगी कि MJF की अटेंशन टू डिटेल इतनी ज़्यादा है कि हिस्ट्री में पीछे जाके कोई एक चीज़ उठा के लानी हो, और अगर एक ऐसी चीज़ उनको करनी हो जिससे ऐसा लगे कि यार कुछ रेफरेंस दे दी, उस चीज़ में वो बहुत कमाल के हैं, क्योंकि उनकी नॉलेज जो रेसलिंग की है वो बहुत स्टडी करते हैं उसको क्लोजली बैठ के। तो MJF यहाँ पे आते हैं, एडम कोल उनको एक हग ऑफर करते हैं, और ऑब्वियसली इतना कलेश इन दोनों के बीच में हो गया, उसके बाद कहाँ एक हग मिलने वाला था, उनको मिला एक लो ब्लो, उनको तो वहाँ से हटा दिया। और फिर MJF आए माइक पे, जिसके लिए लोग कर रहे थे इंतज़ार, और कमाल का प्रोमो यहाँ पे MJF ने कट करा डबल और नथिंग में, जहाँ पे उन्होंने क्लियरली बता दिया दैट ही इज़ द बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड, द मोस्ट कम्प्लीट रेसलर इन द वर्ल्ड। और शॉकिंगली ये भी रिवील कर दिया कि AEW के साथ वो रीसाइन कर चुके हैं, और अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने एक्सटेंड कर लिया है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद ऑल इलीट रेसलिंग। सबसे वाली बात तो यह कि AEW के लिए बहुत ही बड़ी विक्ट्री है कहीं ना कहीं, बिकॉज अगर MJF आ जाते WWE में, WWE का तो हो जाता बहुत बड़ा फायदा, लेकिन AEW के ऊपर एक और बड़ा दाग लग जाता कि कोई भी जो बड़ा सुपरस्टार है वो आ सकता है WWE में एक पॉइंट के बाद जब उसको फेम मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है MJF के दिमाग में ये चीज़ है कि मुझे वो नहीं करना, मुझे वो सारी चीज़ें नहीं करनी जो बाकी हर कोई कर ही रहा है, मुझे वो चीज़ करनी है जो मैं शायद करके दिखाऊं और उसके बाद सिर्फ मैं ही वो पहला बंदा बनूं करने वाला। AEW पे इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर MJF को ऐसा लगता है कि वो उस चीज़ को बदल सकते हैं, वो हेल्प कर सकते हैं इस कंपनी को, तो डेफिनेटली अगर अब AEW यहाँ से कुछ अलग लेवल पे जाती है और MJF उसमें एक मेन अट्रैक्शन बनते हैं, तो उनकी बात सिर्फ AEW में नहीं पूरी दुनिया में करी जाएगी, इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग। और यहाँ पे उनका जो प्रोमो था डबल और नथिंग का, काफ़ी सारी चीज़ें उनकी तरफ से सुनने को भी मिली हमको, काफ़ी सारे रॉक के इन्फ्लुएंस्ड लाइंस मुझे ऐसी लग रही थी, जैसे उन्होंने मास्क को एल्बो ड्रॉप मारी, जैसे उनका अब एक कैच फ्रेज भी आ गया है मिलियंस एंड मिलियंस की तरह, जैसे रॉक का है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उठाते हैं इधर उधर से, जो कि लगता है कि इन्फ्लुएंस ले रहे हैं MJF बहुत अलग अलग जगह से इन रेसलिंग। लेकिन जो सबसे मेजर लाइन इस प्रोमो की थी, वो MJF ने एक वर्ड सेंड करा, एक मतलब कह सकते हैं अलर्ट सेंड करा लॉकर रूम को AEW के, कि MJF को ना एक न्यू जापान की ज़रूरत है, ना एक विंस मिकमैन की ज़रूरत है टू मेक MJF, बिकॉज MJF ने MJF को बनाया है और वही अब मैं करूँगा। तो क्लियरली उन्होंने बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे WWE में ही जाने की ज़रूरत पड़ेगी अगर मुझे अपने आप को प्रूव करना है कि मैं कितना बढ़िया हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है, MJF का कॉन्फिडेंस दिख रहा है, और ना ही सिर्फ इतना, उन्होंने अपनी लेग पे राइट पे बिल्कुल नीचे काफ पे एक टैटू बनवा लिया है उन्होंने वहाँ पे, और वो है AEW का टैटू, और उस पर लिखा है बेटिंग ऑल इन। अब वो जा चुके हैं, वो कहता है आई एम ऑल इन डबल और नथिंग, नो वन इज सेफ फ्रॉम मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन, और वो कहते हैं आई एम नॉट एफ इन लीविंग। तो क्लियर कर दिया गया है कि जितना पैसा था वो फेंक दिया MJF की तरफ, और अब उसके बाद वो एक डायनामाइट में नहीं आया, लेकिन इस वीक की डायनामाइट में ज़रूर MJF की अपीयरेंस हुई, जहाँ पर उन्होंने विल ऑस्प्रे, ओकाडा और साथ में स्वर्व स्ट्रिकलैंड जो कि चैंपियन है उनको कॉल आउट किया, लेकिन उनको कन्फ्रंट करते हैं रूश, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रूश बनने वाले हैं वो फर्स्ट अपोनेंट जो MJF को दिए जाएंगे,
डेफिनेटली इससे पहले कि वो एक बड़ी फील्ड में जाएं, मौका चाहिए होता है कि उनको थोड़ा सा और यूज़ करा जाए कहीं और, इससे पहले कि एक बड़ी फ्यूड में MJF को ट्रांजिशन करा जाए। तो आई थिंक इसलिए रूश को चुना गया। काफ़ी हीटेड प्रोमो था उनका डायनामाइट का भी जो सुनने को मिला, और यहाँ पे वो कहते हैं इस प्रोमो में कि मैं सबसे हेटेड से अब सबसे बिलवड बन चुका हूँ। एक पॉइंट पे सारे लोग MJF को गालियाँ निकालते थे, और आज वही लोग चाहते हैं कि MJF वापस आ जाए, MJF AEW की स्क्रीन पे हो, MJF परफॉर्म कर रहे हो, MJF रेसल कर रहे हो, और जितने लोगों ने भी मुझे कॉल आउट करा मैं उनसे सबसे बेस्ट हूँ। वो कहते हैं टोनी खान जब AEW रन कर रहा था तब तो वो बेकार थी, लेकिन अभी लीड रन कर रही है और भी ज़्यादा बेकार है। रेफरेंस मुझे समझ नहीं आई, क्या स्टोरी लाइन सेंस में बोली गई थी बात? तो अगर कोई ऐसा है जो AEW बहुत टाइम से देख रहा है, लगातार फॉलो अप कर रहे हैं, तो मुझे ज़रूर बताना कि ये इलीट क्यों रन कर रही है AEW, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है टोनी खान इज स्टिल इन पावर। तो फ्यूड जो होगी वो रूश के अगेंस्ट होगी, और क्लियर कर दिया गया है कि MJF भाई बहुत पैसा बना रहे हैं। और इसके बाद उनकी एक इंटरव्यू करी गई स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड की, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें उन्होंने बात करी वहाँ पे कि कैसे वो अपने आप को स्पेशल फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और AEW में वन ऑफ द रेयर चीज़ें जो हुई हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स में MJF इन्वॉल्व रहे थे। तो खूब सारा पैसा तो वो कमा रहे हैं, लेकिन ये उन्होंने अभी नहीं बताया कि कॉन्ट्रैक्ट उनका कब ख़त्म होगा। वो कहते हैं कि ये सिर्फ मेरी पर्सनल डिटेल है और मेरे तक ही रहेगी, किसी और को इससे फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। और इस करंट पॉइंट पे AEW ज़्यादा सेंस बना रही थी मेरे लिए टू रीसाइन रैदर देन गोइंग समवेयर एल्स। लेकिन MJF को ये बात ज़रूर पता है कि अगर मैं अभी AEW में हूँ तो ऐसा नहीं है कि अब WWE कभी मुझे साइन नहीं करेगी। उतने ही चांसेस WWE उतनी ही उतावली होगी MJF को साइन करने के लिए, मे बी 2 साल बाद और भी ज़्यादा जिन चीज़ों को वो अचीव कर लेंगे अब आने वाले टाइम में। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में। मुझे लगता है मैं अपना ओपिनियन दूं तो MJF जो हैं भाई वो AEW को यहाँ सेव करने के लिए आ चुके हैं, और MJF ही वो बंदा है जो AEW को मस्त सी बना सकता है। अब क्रिएटिव बाकी की बात है कि किसके अगेंस्ट MJF को डाला जाएगा, कितना कंट्रोल MJF के पास है उनकी खुद की स्टोरी लाइन्स में, और क्या डायरेक्शन AEW लेगी, ना ही सिर्फ MJF की बट MJF की फ्यूड के साथ बाकी सारे रोस्टर की। आप लोग अपने करंट ओपिनियंस बताएं AEW पर। अगर आप एक ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं जहां पे मैं बात कर रहा हूं AEW के करंट स्टेट की कि क्या चल रहा है AEW कंपनी में, डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और अगर आप AEW के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। धीरे धीरे चीज़ों में मैं वापस आ रहा हूँ, AEW भी देखनी शुरू करेंगे और आप लोगों को उसके बारे में बताएंगे। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक बटन ज़रूर दबाएं अपने तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यहाँ तक के लिए, लाइक दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा कल, स्मैक डाउन है, इंटरेस्टिंग रहने वाला है वो भी काफ़ी ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच, मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।